एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार, दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर, दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज अली एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। दिन ब दिन पुलिस वालों का जुल्म मुसलमानों पर बढ़ता ही चला जा रहा है। अत्तापुर पिलर नंबर 152 के पास एक नौजवान 200 आदमी का सहरी का खाना ले जा रहा था। पुलिस वालों ने उसे रोककर परेशान किया, परमिशन बताने पर भी वो नहीं माने। वो परमिशन नहीं होता, बल्दिया से परमिशन चाहिए, ऐसा कहकर उससे बहस करने लगे। देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद आजम की ये रिपोर्ट। आपका जो लैंग्वेज है भाई साहब, ये लैंग्वेज इनको बैच कर लो, बैच कर लो, हिला ले ले क्या, मैंने वो हिला ले ले क्या, वो जी तुम्हारी ऐसा नहीं होता भाई, मैं जाऊं वो ले ले क्या, वो ले ले क्या, बताओ क्या सर, सबको फोन अभी देखते हैं। अरे वो ले क्या, वो ले क्या, बात सीधी करो, लैंग्वेज आप भी अच्छा है, मैं आगे बोला साहब, आप तुम्हारा लैंग्वेज अच्छा है, आप भाई साहब सुनिए, जो बात आपको अलीपुरी बोला कहीं भी तुम्हारा अच्छा है, आपको कहीं गलत बात बोला तो आप मेरे को दो डंडे मारो, हम काला नहीं ले रहे हैं, हिला ले क्या, मेरे को देखो क्या है, क्या है, परमिशन बताओ, परमिशन जो दिए वो बता रहा हूँ, पुलिस से सर आया हूँ, क्या है स्कैम पे, यहाँ पर काम पे परमिशन है, उसको गाड़ी चला रहा है तो वो नहीं होता, वो नहीं तो कैमरा इधर लाओ, इधर ये इसमें मेरे को क्या गैर कानूनी काम है, ये बोलो ये खाना क्या गैर कानूनी है साहब, ये क्राइम क्रिमिनल काम कर रहे हैं हम, नहीं दो हजार खाना बांट रहे ना, ये एक मिनट दो हजार आदमी को दे रहे हैं, एक मिनट ठहरो जी, अच्छा काम नहीं करते ऑफिसरों से, ये गाड़ी का लाइसेंस, ये गाड़ी की आरसी, लाइसेंस रहने के बाद आरसी लेने के बाद सिंगल आदमी ड्राइव कर रहा, आप गैर जरूरी होना बोल के शहरी के टाइम पे 3 दिन से रोक रहे गाड़ी को, क्या रीजन है बोलो साहब, गाड़ी पे दो जने बताओ, बोल रहे गाड़ी पे तुम्हारा दो जने परमिशन बताओ, ये फूड सर्विस को शहरी के लिए परमिशन कहाँ से साहब, परमिशन जीएचएम से देते हैं, जीएचएम एक मिनट मेरी बात, गाड़ी परमिशन बताओ, एक मिनट करो आप, ये एक आदमी है मास्क पहन लेके कानून का जो है रिस्पेक्ट करके, लाइसेंस है, गाड़ी की आरसी है, शहरी का खाना है, लाइसेंस नहीं पहुंचे, आप कैसा जो है कंटिन्यू 3 दिन खाली परमिशन पूछ रहे, परमिशन है खाना बांटने के लिए, लैंग्वेज यूज कर रहे जरूरत नहीं, तुम बोले बोल के तो मैं बोल रहा था, परमिशन आप हमारे लिए काम कर रहे तो हम आपको रिस्पेक्ट जरूर देंगे, जरूर हम भी देंगे, अगर खाली परमिशन बताओ, परमिशन बताओ चले जाओ, जो आप लोग मेहनत कर रहे हम लोग देख रहे, हम भी देने रिस्पेक्ट कर रहे, पुलिस की तो बना बोल के लड़ाई ले रहा, एक मिनट भाई क्या पूछ रहे, खाली परमिशन बताओ चले जाओ, बोल परमिशन बताया ना साहब, मैं आसिफ नगर पुलिस स्टेशन, परमिशन नहीं होता, अरे हमारे को क्या मालूम साहब, हम घर में बनाए क्या, बोलो आप नहीं होता, एरिया पुलिस स्टेशन आसिफ नगर पुलिस स्टेशन है वो नहीं चलता, ये खाना बांट रहे इसको परमिशन दिया बोल के जीएचएमसी ठीक है, ठीक है ओके, आई एग्री बट आपका क्या काम है वो बोल दे के आज छोड़ दे रहा हूँ मैं, कल से कहीं को बोल दो कमिश्नर साहब गाइडलाइंस करे, बोले कमिश्नर साहब 3 दिन से बांट रहे ऐसे जा रहे, उनको नहीं रोके साहब, दूसरों को रोके तो बोले ना, अरे बोले रोके हमारे दूसरे वॉलंटियर्स को रोक रहे ना साहब, कमिश्नर साहब क्या गाइडलाइंस दिए मालूम, पहले दिन से रोक रहे ना, अरे इनको फर्स्ट टाइम साहब, कमिश्नर साहब क्या बोले, तुम कर कमिश्नर साहब क्या बोले, 2 टाइम मौका दियो बोले, होम मिनिस्टर साहब बोले अगर कुछ इशू दिखाते हैं वो समझाओ दूसरे टाइम एक्शन, आप शहरी का टाइम है 5 मिनट के लिए लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ 200 आदमी वेट कर रहे हैं, 10 मिनट में शरण हो जाता, आप खाना रोक के क्या साबित करना चाह रहे, ये फ्रेंडली पुलिस है क्या, ये फ्रेंडली पुलिस है क्या, बोलो आप बच्चे का नहीं लाइसेंस है हमारे लिए, आप रिपोर्ट साहब आप ये देखिए, लाइसेंस है, गाड़ी की आरसी है, इनके ऊपर मास्क है और गाड़ी पे अकेले बंदे है, ये शहरी का खाना ले लेके जा रहे हैं, ये पिलर नंबर 152 का डेली होना बोल के जो है शहरी का खाना रुकाने के लिए जो है नए नए तरीके से, ऑलरेडी हम जो है ACP साहब से कंसल्ट करें, हमारे एरिया पुलिस स्टेशन से जाके मिले, एरिया पुलिस स्टेशन में जो है एसेंशियल फूड के लिए लोकल पास दिए,
अब उनको बोले आके तो जो हमारे को बोल रहे हैं वो जीएचएमसी को जाना ठीक है जाते साहब। वक्तिया तौर पे पुलिस की जिम्मेदारी है कि एक दो टाइम जो है उन्हें समझाने से उन्हें छोटे नहीं हो जा रहे। उन्हों अगर ये बंदे को आधे घंटे से यहाँ रोक के लेके आप 15 मिनट के अंदर जो है शहरी का टाइम हो जाता। अब वो जितना 200 आदमी का खाना फेंकने में जाता ना, मुसलमानों को जो टाइम है शहरी का वो टाइम पे खाना नहीं खाए तो वो फेंकने को जाता वो खाना। चला रिपोर्टर साहब डबल राइडिंग है, छोड़ दे रहे जाओ कहीं को छोड़े पूछो। ये पुलिस का नहीं, यहाँ खाना बांट रहे तो नहीं छोड़ रहे, यहाँ कहीं को छोड़े पूछो आप। क्यों छोड़े भाई साहब, कहीं को छोड़े साहब, इधर आइए बोलिए। अब क्यों छोड़े आप, क्या है उसके अंदर, क्या है उसके अंदर, किताबा है हमारे खाना बांट रहे तो रख दिया। हम गरीब आदमी को खाना देने जा रहे हम लोग डेली। ये साहब हमारा क्या है, ये साइबराबाद कमिश्नर साहब संजन साहब और एसीपी चक्रवर्ती साहब को इमीडिएट इसके ऊपर जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्यों बोले तो हम खुद वॉलंटियर्स है, हम खुद लॉकडाउन को मेंटेन कर रहे हैं और हम खुद जो है डे वन से पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं। ये अननेसेसरी शहरी के टाइम पे काम रोक के जो है हमारे वॉलंटियर्स को आधे घंटे से रोड पे रोक के जो है, हालांकि हमारे वॉलंटियर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है आरसी है और मास्क पहने एज पर जो है लॉ एंड ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है उनके लिए काम कर रहे हैं। अननेसेसरी जो है ये कांस्टेबल्स जो है डेली एक दिन नहीं दो दिन नहीं डेली नए नए जो है रूल्स बता के जो है हमारे बंदे को वो कर रहे हैं। किससे बात करें, नाम बोलिए, नाम बोलिए। अशोक चक्रवर्ती साहब, श्याम बाबू, अशोक चक्रवर्ती साहब जी, एक काम करो भाई शहरी लेके चले जाइए, वो लेके आप आइए आप रिपोर्टर साहब। आज जो है 200 आदमी शहरी नहीं करे, एक दिन में परमिशन दे दो, एक दिन में परमिशन दे दो, बोला बोल के लड़ाई ले रहे मेरे से, क्या फायदा है कि चाहे हमारी चाली। आज जो है 200 आदमी का खाना, पैसे लगा के 2000 आदमी का खाना बना रहे, माता लगा रहे, खाली एक एप्लीकेशन लगा के परमिशन नहीं ले सकते। आज जो है राजेंद्र नगर लिमिट में 200 आदमी का खाना रिटर्न लेके जा रहे हैं, 200 आदमी जो है सहरी नहीं करेंगे, रोजा नहीं रहेंगे, इसके फुल्ली रिस्पॉन्सिबल राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के वन पिल्लर नंबर 151 के जो नाइट कांस्टेबल से उन्होंने रिस्पॉन्सिबल है ये चीज के। ये इतना प्रेशर डालना कोई इंसानियत की बात नहीं है और ये फ्रेंडली पुलिस का जो रवैया है ये ऐसा नहीं रहता। फ्रेंडली पुलिस तेलंगाना हैदराबाद कमिश्नर साहब से साइबराबाद कमिश्नर साहब को एग्जाम्पल लेना चाहिए और जितने भी है जो है हैदराबाद के ऑफिसर्स है इनको साइबराबाद वालों को इनके एग्जाम्पल लेना चाहिए। ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब जो है 3 टाइम बोल चुके हैं पब्लिक से कॉपरेट करिए, कमिश्नर साहब बोले पब्लिक से कॉपरेट करिए, ऐसा कॉपरेट कैसा कर रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक वॉलंटियर को आधा घंटा रोड पे ठहरा दे रहे शहरी का मसला, उनका ने ड्राइविंग लाइसेंस है आरसी है, पहले बोलते आरसी मेंटेन करो, पहले बोलते डॉक्यूमेंट मेंटेन करो, पहले बोलते सिंगल ड्राइव करो, सिंगल ड्राइव कर रहे, मास्क पहन रहे, लाइसेंस रख रहे, डॉक्यूमेंट रख रहे, बावजूद उसके आप जो है हाईवे पे रात में शहरी के टाइम पे जो है खाना रोक रहे। तो इस पे जो है इमीडिएट जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, या तो फ्रेंडली पुलिस है बोल के प्रूफ करिए, या तो फिर हमारे जो आवाम को झूठी तसल्ली दे रही पुलिस जो है हम फ्रेंडली है बोल के, ये पुलिस को जो है सूट नहीं होता है। शुक्रिया। चलिए और भाई साहब आपकी लैंग्वेज क्या है भाई, यंगस्टर्स है क्या, क्या रोड शूटर्स है जो आप बात कर रहे हैं, बोलिए बोलिए आप। गाड़ी साइड में ले रहे हैं, हाँ नहीं नहीं लैंग्वेज है, लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। क्या लैंग्वेज कर रहे हो, अरे गाड़ी अड़ा रहे, ऐसी लैंग्वेज है, ये कैसा लैंग्वेज यूज कर रहे साहब, बोला अरे तत्ते ही बोले, तत्ते ही बोले, गाड़ी उधर रखो बोले तो नहीं, लैंग्वेज 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 गलत, इनो बोले रे गाड़ी मेरे, यही बोल के हम लोग ऑडी शीटर है, हमारा क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या, बोलिए आप, हमारी फोटो पुलिस स्टेशन में लगी क्या, ये बोलिए आप, ये गैर जरूरी हमारे कई को टारगेट कर रहे, बोलिए आप। रमजान के मौके पे, रमजान के मौके पे रोजे रोक देना, रमजान रोक देना, सहरी नहीं करना, बोलो हम कल से काम ही नहीं करके घर में बैठ जाते आप लोग, आप पुलिस वाले तो भी वो काम करो, एक काम करो तुम जी, तुम लोग नहीं रोको यहाँ से, नहीं चले जाओ बोल के, तुम एक लाओ मैं लोग चले जाते अपना पूरा, आप लोग कैसा जाते साहब, बोल रहे बोले ना, अरे तुम्हारा जैसा जिसका काम हम करने देना, अरे ये काम है, ये काम है, आदमी भूखा लेके जा रहा तो भूखा वालों को छोड़ दे रहे, खाना लेके जा रहा तो छोड़ दे रहे। जो है थोड़ी देर पहले एक बाइक पे डबल राइडिंग, अरे
For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.